नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट और इससे प्रभावित होने वाली सेवाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि करीब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन को चलते हुए, और कोरोना का संक्रमण अभी तक मिटने का नाम नहीं ले रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। दिनों दिन संख्याएं बढ़ती जा रही है, मरने वालों की भी और साथ ही पॉजिटिव आने वालों की भी। तो दोस्तों, ऐसे में अगर सब कुछ बंद रहा तो कैसे काम चलेगा? इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन चलाने का कुछ फैसले लिए हैं, लेकिन सभी ट्रेन चालू होगी कि नहीं, इस बात पर अभी भी काफ़ी कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खबर यह है कि 3 मई के बाद भी नहीं चलेगी ट्रेनें। रेलवे ने अगस्त तक की IRCTC की ट्रेन बुकिंग्स बंद कर दी है, और इसमें और क्या क्या ताज़ा अपडेट्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से भारतीय रेलवे की सेवाएं बंद है, यानी ट्रेनों की सर्विसेज पूरी तरह से ठप है। लॉकडाउन में यहाँ वहाँ फंसे लोग ट्रेन खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को ट्रेन खुलने का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, यानी 3 मई के बाद भी ट्रेनें नहीं चलाने का फैसला लिया जा सकता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट लॉकडाउन के बाद भी ट्रेन सर्विसेज शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ट्रेन सर्विसेज को शुरू करने से पहले रेलवे को कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल को पूरा करना चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा। दोस्तों, अभी तक ट्रेनें चलने की कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं, और इंतजार लंबा हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर के रेलवे तैयारियां कर रहा है। सफर के दौरान और रेलवे स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे लागू किया जाएगा, संक्रमित व्यक्ति को सफर से कैसे रोका जाए, संक्रमण फैलने से कैसे रोका जाएगा, इन सब को लेकर के रेलवे की तैयारियां चल रही है। लेकिन लॉकडाउन के बाद ट्रेन सर्विस खुलेगी, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। वहीं IRCTC से भी ट्रेन टिकटों की बुकिंग बंद कर दी गई है। IRCTC से ट्रेन टिकटों की बुकिंग बंद कर चुकी है रेलवे, और लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों के परिचालन शुरू होने का इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं। और जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद ट्रेन की सेवाएं चालू हो जाएगी, तो उनको ये जान करके बड़ा झटका लगा है। ट्रेन सेवा शुरू होने का इंतजार जो लोग कर रहे हैं, उनको निराशा हाथ लगी है। एक बार फिर से भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टिकटों की बुकिंग को अगस्त तक के लिए रोकने का फैसला किया है। दरअसल पहले लॉकडाउन के दौरान ट्रेन खुलने की आस में लाखों लोगों ने टिकट ऑनलाइन बुक करवा लिया। लोगों को लगा कि लॉकडाउन खत्म होते ही ट्रेन चलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को अपने टिकट कैंसिल करवाने पड़े, जिसके बाद लॉकडाउन 2.0 लगते ही रेल मंत्रालय ने IRCTC पर टिकट बुकिंग को लेकर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। देश में लॉकडाउन लागू होने से भारतीय रेलवे को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं महज 30 अप्रैल तक की 32 लाख लोगों ने टिकट बुक करवाए थे, जिससे 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की 21.17 लाख यात्रियों ने अपने टिकट बुक करवाई थी। रेलवे ने अगस्त तक ट्रेन टिकटों की बुकिंग पर रोक लगा दी है। अब ट्रेनों के परिचालन को लेकर के फैसला कुछ नहीं हुआ है, और हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है। तैयारियां क्या क्या चल रही है, आइए जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोनल रेलवे के अधिकारियों से संपर्क में है। अभी तक ट्रेन सर्विस शुरू करने को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं रेलवे अथॉरिटी कोविड-19 की सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर के तैयारी कर रहा है। लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं रेलवे ने मेडिकल और एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन पर्याप्त मैन पावर के साथ तैनात किया गया है। रेलवे की तैयारियां क्या क्या है, आइए देखते हैं। रेलवे ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ट्रेनों के संचालन को लेकर के कुछ तैयारियां इस प्रकार से की गई है कि रेलवे फिलहाल सिर्फ
स्लीपर ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। ट्रेन के कोच से मिडिल बर्थ हटाए जा रहे हैं। ट्रेनों में सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। ट्रेन के समय से 1 घंटा पहले यात्रियों को स्टेशन पे पहुंच करके सुरक्षा जांच और स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स की व्यवस्था प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य कर दी गई है तथा ट्रेनों के एंड टू एंड सैनिटाइजेशन की तैयारियां की जा रही है। तो ये थी इंडियन रेलवे की तरफ से की जाने वाली तैयारियां, जो कि बहुत जरूरी है ऐसे समय में जब COVID-19 एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है इसमें। भारत भी इसमें काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जितना हो सकता है प्रयास कर रही है। अभी तक कोई वैक्सीन बनने की खबर नहीं है और कंट्रोल का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह ताजा अपडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।